कितने प्रतिशत चलते हैं। आप लेविन की बात कर लीजिए, बड़ा दिल्ली के जितने लेखक लेखिका है ना, मतलब मैं दिल्ली नहीं कहूँ सर, शब्द वापस ले लूँ, महानगरों के जितने लेखक लेखिकाएं हैं ना, उनमें से मैक्सिमम लोग लेविन पर कहानी लिख रहे हैं। उनकी कहानी पढ़कर लगेगा हिंदुस्तान की आधी लड़कियां और आधे लड़के लेविन में रहने लगे। मुझे बताइए हमारी शादी के सिस्टम, हमारी परंपराएं कितनी टूटी है। हिंदुस्तान की 2% आबादी भी लेविन में नहीं रहती होगी। तो आपका ये जो मीटू आंदोलन है, ये आंदोलन वहां तक नहीं पहुंचा। एक मजदूर स्त्री साइट पे काम कर रही है, उसको खुले में नहाना पड़ता है। कितने पुरुष उसको देखते हैं गंदी नजरों से, खुले में शौच जाना पड़ता है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे। मैं ये कह रही हूँ बात व्यापक अर्थ में होती है। आप डराइए मत कि अगर स्त्री आवाज उठाएगी तो उसको जॉब मिलना बंद हो जाएगा। डराइए मत, हम डरेंगे नहीं। पहली आप माइकल को देखिए। ये तो बात हो गई कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स की, बट ओवरऑल देखें तो इस मोमेंट का फायदा ज्यादा हुआ है ओवरऑल सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको फायदा हुआ है। और सिर्फ जॉब तक ही नहीं, अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो आप लोग खुल के ऑडिशन दे पाएंगे। जो एक्टर एक्ट्रेस एक्चुअली बनना चाहते हैं वो ऑडिशन जा सकते हैं खुल के, डर नहीं होगा। और स्टैंड अप कॉमेडी कोई भी सेक्टर ले लो, तो मेरे ख्याल से ये जो मूवमेंट है इसकी